Hey, what's up everybody and welcome back to another gameplay video. तो guys यार आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं Minecraft. तो जैसे कि आप सभी लोगों को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में मैंने एक्सपेंडिंग किया था अपना मॉडर्न हाउस. अब बैकवर्ड में आप देख पा रहे हो कितना ज्यादा ऑसम लग रहा है. बट आज की वीडियो में ना बहुत ही मजा आने वाला आपको, क्योंकि गाइज दो महीने से मैं कुछ सोच रहा था लक चीज करने का और आज की वीडियो में मैं वो करने जा रहा हूँ. तो आज की वीडियो पे मैं बना जा रहा हूँ TH ट्रेडिंग होल. अब ये ट्रेडिंग होल एक बहुत अलग होने जा रहा है. अब ये सबसे अलग होगा तो बहुत मजा आएगा. तो भाई यार शुरू में तो आपको पता ही थोड़ा मोटा मेरे को समान ही होता है मिशाई की तरह से. तो पहला तो काम है यार क्लियरिटी देख लो आप कि मैं अपना कितना बड़े तरीके से रखता हूँ सब समान. तो गाइज अभी यार मेरे को सोचा है कि यार मैं ऐसा टाउन होने बना जा रहा कि भाई यार सारों की चीटिंग करके, बट ये एक बहुत अलग टाउन होल होगा, टाउन ट्रेडिंग होल. और उसके बाद अपने बनाएंगे तो उसके बाद बनाएंगे TH. अब ये ट्रेडिंग होल मतलब कि टी ट्रेडिंग होल. तो अभी पहला आज बनेंगे, यार मैं गलत क्यों बोल रहा हूँ यार. तो गाइस पहला अपने यार ट्रेडिंग होल बनाने जा रहा हूँ और दूसरा मैं यहाँ पर विलेजेस के लिए बहुत बड़ा घर बनाने वाला हूँ. तो मतलब कि यार ये अपने इसको मैं पूरा सिटी में एक्सप्लोर कर दूंगा थोड़ा टाइम धीरे धीरे करते. तो अभी ना आज की वीडियो में पहले मैंने उनको जाना पड़ेगा थोड़े मोटे यार वेट करो. पहले मेरे पास एक सिल टच भाई नहीं तो सिल टच नहीं लेके बैठ गए भाई यार. फटाफट चलते हैं नीचे और मेरे को ना यार इसको सिल टच को सही करना पड़ेगा यार. मेरे को ना बदलनी पड़ेगी इसको यार फटाफट से ना. मैं यहाँ पर ग्राइंड स्टोर करता हूँ तो ये डिसेंटेंट होने वाली है. लेट्स गो. और यहाँ पर अपने पास एफिशिएंसी 5 वाली पड़ी है तो यहाँ पर सर होता है ये रखता. ओके वेट इसका सिल टच लगेगा यार. मैंने उल्टी कर दी यार, गलत कर दी यार. अरे यार मैंने गलत कर दी. मैंने ना एफिशिएंसी 2 वाली कन्वर्ट कर दी यार. अब भाई उल्टे काम चलते हैं, इसको पड़ी रहने देते हैं. तो मेरे को चाहिए थोड़ी सी क्वार्ट्स, थोड़े मोटे सामान बहुत चाहिए. मतलब क्वार्ट्स की जगह मैं पूरी कॉम्बिनेशन के साथ घर बनाने वाला हूँ तो वो उसके लिए क्वार्ट्स चाहिए. तो बड़ा फटा चलते हैं नहीं इधर पोर्टल अपना फेवरेट जहाँ पर अपने को सारा सामान मिल जाता है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट. और टन तो अभी पहुँच चुके हैं, फटाफट चलते हैं नेदर पोर्टल और फटाफट से चलते हैं. लेट्स गो. और डन तो अभी यार वेट यार शुरू होते ही एक काम ना मेरे को बहुत खुश रहता है. वेट यार ये बटन कहाँ से आया और यहाँ पर. अच्छा मैं कभी कभार आ जाता हूँ मर जाता हूँ, पता नहीं कभी मर जाएंगे कोई भरोसा थोड़ी है. तो भाई मेरे को चाहिए थोड़ी सी यार, मैंने हर जगह से ना क्वार्ट्स उठा रखा तो यार मेरे को कहीं से मेरे को लगता नहीं क्वार्ट्स मिल जाएंगे, बट मुझे ढूंढने पड़ेंगे अब यार. तो मेरे को कुछ भी नहीं करना, स्टार्ट करते हैं भाई माइनिंग करना. लेट्स गो. और मिल जाए हेलो हेलो कोई मिल जाए क्वार्ट्स चाहिए मुझे. और मैं टॉर्च भी ले गया यार. ऑल डन गाइस. तो फाइनली इतने सारे तोड़ने के बाद मुझे कुछ पता नहीं कितने मिले, थोड़े बहुत कम आई वैसे तो यार. यार साउंड कितना गंदा आ रहा है यार यहाँ पर एक तो मेरे को पता नहीं. तो यार मेरे को अब निकलना पड़ेगा यहाँ से, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है. और यहाँ से मैं कहाँ से आया था यार वेट. और यहाँ पर ओके डन तो यहीं से निकला था क्या. और यार साउंड बहुत ज़्यादा गंदा आ रहा है, बहुत ज़्यादा. ओके तो ठीक है फटाफट चलते हैं अपने घर पर और फटाफट से इनको कन्वर्ट करते हैं अपने दूसरी पिकअप से तोड़ेंगे जिसकी वजह से मिलेगा अपनों को. और लेट्स गो. मेरे को उसकी साउंड आ रही है डन. तो पहुंच चुके हैं फटाफट सब चलते घर पे. और ये घास का साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है मेरे को, पता नहीं कहीं पर बैठी और सामने भी मेरे को दिखाई दे रहे हैं. बट इतने इसको तोड़ने मेरी भाई आधी पिकैक्स तो ख़त्म हो गई है तो फिर से रिपेयर करना पड़ेगा इनको. पता नहीं कितनी बार मैं रिपेयर कर चुका हूँ तो इसमें मैंडिंग लगाने की जरूरत है. मैंडिंग पता नहीं कब मिलेगी यार. तो फटाफट करते हैं पिकेक्स रिपेयर और एंजाइटमेंट कोस चाहिए तो मुझे यार. फटाफट से तोड़ना है इनको अपनी पिक भाई, ऊपर से वो भी हो जाएगी यार थोड़ी एक्सपी बढ़ जाएगी तो जल्दी फटाफट करते हैं जितने मिलते हैं. और डन तो पिकेक्स रिपेयर ऊपर से सारा माल भी आ चुका है हाथ में. तो अब थोड़ा सा काम रह चुका है जैसे कि मैंने यहाँ पर रख रखे हैं ये देखो भाई ब्रिक्स. अब ये ब्रिक्स भी काम आने वाले हैं, बहुत मस्त बनने वाला अपना. और यहाँ से मैं थोड़ा सा चेक कर देता हूँ कि मुझे हॉर्स मान चाहिए जैसे कि मैं यार एक तो ना क्राफ्टिंग टेयर बाहर लेके जाने वाला हूँ. ओ भाई यार याद आ गया मुझे यार. ओ भाई यार मुझे फाइव याद आ गया. मैं सोच रहा था मेरे का यार गुम हो गया नहीं, बट असली मेरे को याद आ गया कि लास्ट टाइम ना मैंने कुछ चीज बना रहा जिसकी वजह से यार यहीं पर रह गए थे आधे ज़्यादा. वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, मैंने डिलीट कर दी थी यार वो वीडियो. तो यार भाई अब खुशी मिल गई यार, अब कोई जरूरत ही नहीं है अपने को.
फटाफट आते हैं क्राफ्टिंग टेबल और फटाफट चलते हैं बार। अब बार से मैं सारा काम, अरे यार काम तो बार से सारा काम करेंगे बाइक यार, क्योंकि बारी में सब कुछ बनाएंगे तो बार की बार देखेंगे क्या चीज़ बना रही है। तो ऑल डन, तो बाहर आ चुके हैं, फटाफट से रखते हैं यहाँ। और यार पहले क्राफ्टिंग टेबल पड़ा है यार यहाँ पर, मुझे लग रहा है क्रीपर दादा तू मेरा पहले आते सर। एक तो यार ये तो ना एक मारता भी है। चलो भाई, अब मैं ना आज पता नहीं उल्टे काम क्यों कर रहा हूँ, बट मुझे खुद को नहीं समझ आ रही कि मैं अपनी खुद की, मैं सोचता बाद में यार पहले वो चीज़ बनी हुई है। ऑलरेडी मैंने सारा सामान तैयार कर लिया है और थोड़ा मोटा मुझे इस चेस्ट में मिल गया था, जैसे कि मैंने कहा था कि लास्ट टाइम कुछ बना था तो उसका सामान भी मिल गया। जैसे मुझे क्वार्ट्स पिलर्स मिल गए, ब्रिक्स स्लैब्स मिल गई और स्टेयर्स भी मिल गए, और मैं थोड़ी सी ब्लैक स्लैब बना ली दूसरे कलर की। तो अब इनसे सारा काम होगा, मतलब कि मैं कॉम्बिनेशन के साथ बनाऊंगा, कोई अलग नहीं बनाने वाला। तो लेट्स गो, बटर स्टार्ट करते हैं। मैंने नींव डाल दिया ब्रैक का साइड का काम, तो यार स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मैंने पहले सही तरीके से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो यहाँ पर अब जिगजैग हो जाएगा 1, 2, 3 और 4 और 5, और यहाँ से फिर से 6 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर से जिगजैग हो जाएगा 5, 1, 2, 3, 4 और 5, और यहाँ से फिर जाएगा सीधा। तो अब यहाँ से मतलब कि एक बिल्कुल मस्त सीक्वेंस बन जाएगा, यहाँ से बिल्कुल मस्त तरीके से जाएगा ये। ओके डन, तो मैं दूसरे से पहले कंप्लीट करता हूँ। तो फाइनली पूरे के पूरे भाई 20 सेकंड बाद पूरा फार्म ये पूरा हो चुका है। इसकी बाउंड्री और करीब पर बहुत ज़्यादा, और ये तोड़ ना दे, और मैं मेरी बो भी मंगानी पड़ेगी यार अभी। तो गाइज अब यार फाइनली अपना पूरा बन चुका है, ये बहुत ज़्यादा ही पड़ा है, और दूसरे देख पा रहे हो कितना ज़्यादा मस्त लगने वाला है। और यार इसकी मेरे को बेचारा सेंटर सही लग रहा है, तो ठीक है बिल्कुल मस्त बना है। तो अब आगे का काम करते हैं, जो कि अब मेरे को बस कुछ नहीं करना, इसके साथ लगेगी ये स्टेयर्स, तो फटाफट यहाँ पे स्टेयर्स लगाते हैं। ऑल डन, तो फाइनली हो चुका है ये भी कंप्लीट, और एक बहुत बढ़िया लुक आ रही है अभी के साथ। तो अभी यार मैं ना थोड़े से लग अभी लगाने वाला हूँ इसके अंदर, तो क्वार्ट्स पिलर लगने वाले हैं। और वेट, ये कौन मार रहा है मुझे, वेट मेरा भी बहुत लो कर दी तेने अभी तरह, ये तो फूल लेके आना पड़ेगा यार मुझे। तो गाइस अभी यार ये मैं अभी देखो मेरे पास है क्वार्ट्स पिलर, अभी इनका बिल्कुल मस्त यूज़ करने वाला हूँ मैं। तो अभी ना मैं पहले करूँ भाई यार 1, 2, 3 और 5, तो दोनों साइड पहले ये भी कर देते हैं। और यार एक तो 1, 2, 3 और 4, 5 और 4 हो गया यार पता नहीं, बट कितने भी डन। तो अभी इनको और बड़ी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लगेंगे पहले अपने ब्लॉक्स, ये वाले 3, फिर से एक क्वार्ट्स पिलर 1, 2, 3, फिर से क्वार्ट्स पिलर 1, 2, 3 और फिर से क्वार्ट्स पिलर। ओके डन, देख बहुत मस्त लुक आ सकती है इसकी वजह से, तो बस इसे मैं इसे लगाऊंगा डन। तो और ये छोटी चिरान इधर आ, तुम एक तो इसके भाई इसके ज़्यादा इससे जिससे ज़्यादा डैमेज इसके पापा ने देता भाई, जितना ये देता है मेरे को भाई। तो भाई लेट्स गो, दूसरे चलते हैं फटाफट से, यहाँ पर भी कंप्लीट कर देते हैं, और कितना मस्त लगने वाला भाई।
अभी से मैं देख के मजा आने वाला है। तो यार फटाफट से आंसर तू जाता मैं। ओ तीन मॉर्निंग गाइस, पूरे सुबह हो चुकी है यार भाई, रात को मेरे को काम नहीं करने दे रहे थे तो मैं सुबह जल्दी उठ के आ चुका हूं भाई। लेट्स गो, अब प्रो बन चुके हैं भाई गेम में, पहले नहीं थे तो चलो भाई मानते हैं, बट अब तो प्रो ही हैं अपने। तो फाइनली हो चुका है ये पूरा कंप्लीट। और कैसी लग रही है अभी से बोल, और ये मैं सही बनाया गया भाई, चेकिंग पहले इंपॉर्टेंट है। लेट्स को, अभी खाली खाली लग रही है तो मैं अब इसके अंदर कुछ लगाने वाला हूँ जो कि मेरे पास पड़ा है। लेट्स को स्लैब से पड़ी, मैं क्या रख दूँगी। लेट्स को यहाँ पर मुझे लगाना कुछ, अभी ये स्लैब्स लग चुकी है। अब इसके ऊपर आएंगे लैंटर्न्स जो कि मेरे पास मुझे लगता है नहीं पड़े हैं, कोई बात नहीं बाद में लगा देंगे। और उसके बाद मेरे थोड़ी सही है स्टेयर्स, मैं स्टेयर्स यहाँ पर लगाने वाला हूँ जो कि और ही मस्त लुक आने वाली है भाई। आप देख पा रहे हो कितनी ज़्यादा मस्त लुक अभी से आने लगी है, तो भी इसको मैं पूरा कंप्लीट करूँगा तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो लेट्स गो, ये बिल्कुल सही लग रहा है क्या? डन। तो अभी यार एक मैंने लग सी लुक दे दी इसके अंदर, अभी इसके अंदर बहुत मज़ा आएगा भाई। इसके अंदर लाइट्स लगा दूंगा ना तो और जगमग करेंगे, अभी तो यार आपको अच्छा लग रहा है बट बहुत अच्छी बनी यार ये, तो यहाँ पर भी लगाते हैं, कमी तो है नहीं भाई, पर यार ज़्यादा ओवर हो गया यार ये। अभी यार पीछे से सारी वॉल पड़ी है और नीचे का इंटीरियर पड़ा है, तो अब मैं इंटीरियर बनाने वाला हूँ बिल्कुल क्वार्ट्स से। अब यार क्वार्ट्स तो वेयर क्वार्ट्स ब्रिक्स, तो मेरे को अब क्वार्ट्स लेके आने पड़ेंगे। मैं इतनी देखा क्वार्ट्स से, बहुत सारे क्वार्ट्स मेरे को तो थोड़े से रह गए, पर यार इतने बड़े ले आते हैं यार। तो अभी मैं लेके आ चुका हूँ बहुत सारी क्वार्ट्स लैब जो कि लास्ट थे, और इसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं पड़ा यार। तो अभी यार मेरे को कुछ भी नहीं करना, पहले मेरे क्वार्ट्स से भरना है, उसके बाद मैं इसके बीच में बाउंड्री निकालने वाला हूँ। चार थाव में होंगे, यहाँ पर लैक्टन, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ हो सकता है और कुछ यहाँ पर हो सकता है, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फाइनली पूरे के पूरे 2 घंटे बाद लगा लगू के भाई चक चुके क्वार्ट्स लेके आ चुके, फाइनली मैंने कंप्लीट कर दिया अंदर का इंटीरियर और बार का भी थोड़ा मोटा कंप्लीट कर दिया। तो अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ अपना बार का, तो 1 2 3। तो गाइस आप देख पा रहे हो कि लाइटिंग वैसे कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, और यार इसकी वजह भाई ये देखो मैं जो चीज़ कर रहा था ऐसा बनने वाला है। अभी इसके अंदर थोड़ा सा और चेंज करूँगा बाद में, बट अंदर का भी चेंज करने वाला है, मतलब कि अभी स्टार्ट हो चुका है अंदर का काम। तो अभी मेरे को कुछ भी नहीं करना है यहाँ से, लेट्स गो। ये तोड़ने ये तोड़ने ये तोड़ने ये तोड़ने ये तोड़ने हैं, मेरे को पहले बीच का सेंटर ढूंढना है इसके अंदर। तो फाइनली कंप्लीट हो चुका है, ये तोड़ दिया मैंने, और ये अब बहुत बढ़िया हो गया मेरे को और मिल गए। तो अब यार मैं ना यहाँ पर लगाऊंगा ये, हाँ तो ये लगने वाले हैं मस्त तरीके से यार, ये एक बहुत सुंदर लुक आएगी इससे। तो भाई यार ये ना मतलब कि 4 खाने बना देगा, जिसकी वजह से यार मैं इसके अंदर लोगों को एक साइड लैक्टन हो गया, एक साइड हो गया ब्रीमिंग स्टैंड वाला, कोई ऐसे 4 ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे वही रखूँगा मैं, दूसरों को भाई फेंक देंगे यार। तो अभी यार ये भी हो चुका है, तो अभी मेरे को ढूंढना है बिचालक का सेंटर। और डन, तो फाइनली भाई मैंने कंप्लीट कर दिया दोनों चारों साइड से, और अभी आपको दिखा दूँ कि कैसा लग रहा है। वेट यार ये क्यों टूट रहे भाई तुम, तो देखो यार ये देखो बिल्कुल मैंने यार बीच का सेंटर लेके, अब यहाँ पर भी आएंगे, यहाँ पर भी आएंगे, वहाँ पर भी आएंगे, यहाँ पर भी आएंगे, तो बहुत मस्त सीक्वेंस बन चुका है। अब लड़ाई नहीं होगी बीच में ना विलेजेस के यार, इसलिए अब लड़ाई तो क्या होनी थी यार। तो यहाँ पर ऐसे फिर लगा देते हैं अपन, बढ़िया लगेगा यार। तो मैं ना थोड़ी चेंजिंग अभी करने वाला हूँ इसके अंदर यार, थोड़े से ना मुझे अब थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी, वो बाद में करेंगे। तो अभी यार मैं पहले इसको ऊपर चकनी है बोल, वो बाद में चकेंगे, अब अंदर का काम करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि मैं ज़्यादा विलेजेस नहीं रखने वाला, तो इसके अंदर ज़्यादा आएंगे मतलब कि एक देखो मैं दिखाता हूँ कैसे रखूँ, 1 2 3 ऐसे पहले रखता हूँ मैं। अभी यार ये हो चुका है, अभी ये समझ रही होगी भाई ये जिगजैग बना दिए बट ये काम करेगा। तो अब यही है अपना मतलब कि विलेजेस का। अब यार देखो यहाँ पर पहले मुझे ये लगाने हैं, लेट्स गो, ये 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 ऑल डन। तो ये आप मतलब कि देखो अब पहले यहाँ से मुझे इसको चक देना है पूरा बस। ऑल डन, तो ये चक चुका है। तो अब भी आप सोच रहे हो कि यार ये पूरा सीन बताता हूँ कैसे होगा। तो यहाँ पर अपना विलेजर आएगा जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर जगह पे, और यहाँ पर उसका आएगा जैसे कि मैंने रख दिया लैक्टन। अब ये लैक्टन यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आएगा, मतलब कि
मैं थोड़ा गलत बता रहा हूँ। पर उसका आएगा लेक्टन, अब जो भी मर्जी लेक्टन आएगा, और यहाँ पर उसका विलेजेस रहेगा, तो यहाँ पर कुछ ऐसा करके बनेगा। और एक बहुत मस्त सीक्वेंस टाइप का यार ये, मतलब कि इसके अंदर ज़्यादा नहीं आएंगे लोग, तो इसलिए मैंने बड़े तरीके से बनाया। तो यहाँ पर आएंगे और एक यहाँ पर आएंगे, अब थोड़े से लोग यहाँ पर मैं बिठाऊँगा जरूर। तो यहाँ पर ओके 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 लेट्स गो, बस इतने ही भाई, कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी यहाँ पर, बस इसलिए डन। तो कितना ज़्यादा मस्त अभी से लग रहा है, तो सारे सेट करते हैं गाइस। अभी आपका अंदर तो कंट्री देख लिया तो, बट अभी का जो बार का है TH बनाने का टाइम आ चुका है, अब उसको बनाऊंगा और उसके बाद ही आपको दिखाऊंगा। और ये मैं अगली वाली वीडियो में आपको सारा कवर कर दूंगा, मतलब कि बैक साइड की जो वॉल पड़ी है, क्योंकि वहाँ पर विलेजेस हैं, तो मैं पीछे की वॉल बनाया था, यहाँ की वॉल मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा, और अगली वीडियो में अपने विलेजेस भी ले जाएंगे। बट तो अब चलते हैं ऊपर, बाय लैड राम से गाइस पहुँचने वाले हैं। और बस मुझे यहाँ पर 2, 3, 4 और यहाँ पर मेरे को फिर से कुछ ऐसा करना है। फाइनली पूरी 2 घंटे लगा के मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया, और ये जो है एक बहुत मस्त लग रहा है। तो अभी 1, 2 और ये 3, तो भाई आप पीछे की लुक देख पा रहे हो कितना ज्यादा मस्त लग रहा है। TH ट्रेडिंग हॉल जो कि मेरे को बनाना था, बट अभी आपको अंदर का सीन सारा को दिखाता हूँ, लेट्स गो। तो भाई अब यहाँ पर देखो यार कितना ज्यादा मस्त तरीके से लग रहा है, ये मैंने फायर वॉल लगा दिया, ये लगाने वाला था, मैंने सुबह बाद में लगाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने स्ट्रिप कर दिया यार, किसको क्या कहते हैं मेरे खुद को नहीं पता, बट मैंने यहाँ पर देखो क्या मस्त लुक दे दी। यहाँ पर साइड साइड में दोनों साइड है, और उसके बाद बार की आप लुकिंग भी देख पा रहे हो कि TH और बार बैग मैंने फायर वॉल यहाँ पर लगाई है, यहाँ पर भी अगली वाली देखने लगाएंगे। और अंदर का आप देख पा रहे हो क्या ही जबरदस्त लग रहा है, और ऊपर का भी मैंने फूल लगाया नहीं है, क्योंकि यार मैं सोच रहा हूँ कुछ ढंग की चीज लगाऊंगा, तो तब तक मैंने सोचा कि छोड़ देते हैं। और आप यहाँ पर पहले आपको पता था कि मैंने यहाँ पर पिलर्स लगाए थे, तो इसकी जगह मैंने स्ट्रिप ओक लगा दिए हैं, तो उससे ज्यादा मस्त लुक आ रही है। तो कैसा लग रहा भाई, प्लीज कमेंट इट। और भाई ये जो चाहता था ना, बस यही चीज चाहता था कि ये हो जाए, तो अभी इसके सामने यहाँ पर कुछ बनने वाला अगली वीडियो में बिल्ड होगा, तो वो भी एक बहुत बड़ा होने वाला। और मैं सोच रहा हूँ ना अपना जो रूफाई घर है ना, मैं तोड़ दूंगा यार, और देखेंगे कि आपको आगे दिमाग बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे जुगाड़ी मिलता रहेगा। तो गाइस आज की वीडियो आपको ये अच्छी लगी तो फटाफट जाकर लाइक कर देना, मिलते हैं तब तक के लिए गुड बाय।